Subscribe Fundguruji channel with notification bell for all investment related videos. हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ जरूर, ओके, और मेरा जो काम रहता है वो प्रॉफिट शेयरिंग में रहता है, टेक्निकल बेस पे। ओके हाँ, यानी कि सर आप पैसा कमाते हो उसमें से, आप पैसा देने में आपको क्या दिक्कत रहता है? हाँ ये बात तो सही है। हाँ क्या है कि सर मेरे पास जो टेक्निकल की टीम है जो रिसर्च होता है, ओके, हाँ परफेक्टली देखो कंफर्म कॉल बनता है तभी आपको प्रोवाइड करता हूँ, अदरवाइज मैं कॉल प्रोवाइड नहीं करता होता। कस्टमर को बोल देता हूँ कि सर आज का कॉल बढ़िया था नहीं था, आज मैंने इतना ज्यादा काम नहीं किया है, कहे कि आज मार्केट ने इतना ज्यादा मूवमेंट किया ही नहीं। हाँ छोटे छोटे शेयरों में जैसे टेल ने थोड़ा मूवमेंट किया है। हाँ क्या है कि पहले करीबन 30 पॉइंट ऊपर गए, प्लस में गए, उसके बाद 30 पॉइंट डाउन दिया है, वो तो हर उसका उसका मूवमेंट है, करीबन 1300 वाली स्क्रिप्ट है तो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ सर, देखो अपने को कोई परफेक्टली कौन बनता है उसमें आपको प्रोवाइड कर सकते होगे? आप प्रोवाइड करोगे? हाँ सर, क्या है कि देखो मेरे पास जो टेक्निकल की टीम है जो रिसर्च करने के बाद परफेक्ट कौन निकाल के मैं कौन प्रोवाइड करूंगा। अच्छा हाँ, उसमें क्या है कि सर देखो मैं प्रॉफिट शेयरिंग में काम करता हूँ, मैं 30% के हिसाब से काम करता हूँ। 30% आपको देना पड़ेगा? हाँ 30% कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा कहाँ से सर, कस्टमर सर 50% ही देने के लिए तैयार है। आपकी तैयार है, मेरी बात सुनो, वो 50% भी इसलिए तैयार है कि उनको मार्केट से निकाल के दिया हुआ उसमें से पैसा दे रहे हैं ना। उनको भी पता है कि सर अपने को अगर वो पैसा देंगे, ओके, तो सामने वाला बंदे अपने को जो प्रॉफिट वाला कॉल होगा वही प्रोवाइड करेगा। तो आपकी कंपनी का नाम क्या है वैसे? प्रॉफिट शेयरिंग डिविजन कंपनी सर। प्रॉफिट शेयरिंग डिविडेंड कंपनी? डिविजन कंपनी। हाँ ये कहाँ पर बेस्ड है? सर गुजरात में राजपुर, अहमदाबाद राजपुर। अच्छा हाँ, तो क्या करना होगा उसके लिए? सर आपको कुछ ऐसा नहीं सर, रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपए देना है, ऐसा नहीं सर। मैं आपको जब मार्केट से पैसा निकाल के दूंगा तब भी आपको देना है सर, क्योंकि सर मेरा काम और दूसरे के जैसा नहीं है। दूसरे क्या होता है, आपको कॉल लेना होता है तो आपको बोलते कि सर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपए दो, 2000 दो, ऐसा नहीं। जब आप मार्केट से पैसा कमाओ तो उसमें से देना है। नहीं आप 30% ले लोगे तो हमारे पास बचेगा क्या? सर आपको मानो के ब्रोकरेज छापने के बाद तो जो भी बचता है उसमें से देना है ना सर। मानो के करीबन अपने को 11000 का प्रॉफिट मिला है, ओके। हाँ जी हाँ जी, मानो के 11000 का प्रॉफिट मिला है, उसमें से मानो के आपको करीबन 1000 का ब्रोकरेज लगता है, बाकी का 10000 तो बचता है ना। हाँ तो उसमें 30% तो दे सकते हो ना सर, बाकी के 7% आपके पास बच रहे हैं। अच्छा हाँ, तो आप ट्रेड कैसे कराओगे? वो तो सर मैं कॉल करके करता हूँ सर, क्या कि मैं व्हाट्सएप और मैसेज पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं रखता हूँ। क्या कि कॉल करके बताता हूँ तो सर अगर कॉल रिसीव करते हुआ ओके, तो मेरे को भी पता चलता है कि नहीं सामने वाले बंदे ने ट्रेड किया है, मानो कि मैंने मैसेज कर दिया ओके, आप कहीं बिजी हो गए तो मेरा उसमें जो टारगेट होता है तो मैं किसको दिखाऊं कि सर मेरा टारगेट हो गया? किसको बोलूं आपको? ये रिसर्च कौन करता है? आप करते हो? और मेरे को गलत भी बोला कि सर मैंने नहीं किया। ये रिसर्च कौन करता है? आप करते हो? नहीं सर, मेरे पास जो टेक्निकल की टीम है वो करती है। हाँ तो उनको बोलिए कॉल करने के लिए, आप क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, क्या है कि देखो उनका ओनली फॉर एक ही काम है, रिसर्च करना, वो किसी कस्टमर को सर उनका काम नहीं है कॉलिंग करना। क्या नाम बताया कंपनी का आपने? प्रॉफिट शेयरिंग डिविजन कंपनी का। इस नाम की तो कंपनी नहीं सुनी है मैंने। क्या हुआ? इस नाम की तो कंपनी नहीं सुनी मैंने। नहीं नहीं आएगी भी नहीं सर। हेलो जी जी जी, हाँ वो नहीं आएगी, हमारी कंपनी छोटी सी है सर। हाँ तो ऐसे कैसे भरोसा कर लें आप? क्या हुआ? ऐसे कैसे भरोसा कर लें आप? हाँ तो मैं कहा बोल रहा हूँ सर, आप पहले दिन ही मेरे पास करीबन 1000-2000 क्वांटिटी की लिमिट दो, यहाँ पहले से ओनली फॉर 100 क्वांटिटी की लिमिट करना सर। अरे जी 100 क्वांटिटी की यानी कि 1000 लिमिट में 100 क्वांटिटी की यानी कि 1 लाख का आपको मान लिया करना है। एक काम करिए, मैं आपको कॉल देता हूँ, आप मुझे 35% दीजिए। ओके चलो कोई बात नहीं है।
आपकी आपकी जो टेक्निकल एनालिस्ट टीम है ना, उनसे एक बार बात करना चाहूंगा मैं। और आप सेवी रजिस्टर्ड हैं? हाँ जरा सेवी रजिस्टर्ड नंबर बताइए अपना। अपना सेवी रजिस्टर्ड नंबर बताइए। देखिए मैं कंप्लेन करूंगा, और आजकल इंडियन की साइबर जो क्राइम टीम है ना वो बहुत एक्टिव है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो ना तो फंस जाओगे आप। चिल्ला क्यों रहे हो आप? आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, आप चिल्ला क्यों रहे हो? आप एक प्रोफेशनल कॉल देने वाले हो, आप एक एडवाइजर हो, आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं नहीं, आप सेवी रजिस्टर्ड हो? पहले ये बताओ मेरे को, आपकी कंपनी सेवी रजिस्टर्ड है? हाँ हाँ, तो मतलब कितने लोगों को दिन भर में ऐसे लूट लेते हो ये बताओ मेरे को। कितने को लूटते हो यार? मैं तो खुद ट्रेडर हूँ, मैं तो खुद इन्वेस्ट करता हूँ, मैं क्यों लूटूंगा? आप कॉल करके, आप कॉल कर, आप दो तरफ मत बोलो सर, आप दोनों तरफ मत बोलो। आप अभी बोल रहे हैं कि मैं भी एडवाइजर हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह लूटता नहीं हूँ ना। मैं किसी अनजाने को कॉल करके लूटता नहीं हूँ, ठीक है? और आपका ना कंपनी का पता है, ना आपके सेवी रजिस्ट्रेशन नंबर का पता है, ना आपकी वेबसाइट खुल रही है, और आप बोल रहे हो मैं आपको कॉल दूंगा। ये फेक नहीं है तो क्या है, आप मुझे बताओ। मेरी बात सुनो, मैंने कहा, आप बोला कि आप मेरे को अपने घर के पैसे से मैसेज दो। मैंने कोई ऐसा बोला क्या? नहीं तो आप पे क्यों भरोसा किया जाए भाई, ये बताइए क्यों भरोसा किया जाए आप पे? सर आप भरोसा नहीं कर सकते हो तो आप काम कैसे कर सकते? नहीं काम तो मैं कर लूंगा, वो छोड़ दो। आप ऐसे डायरेक्टली फोन, आप कौन बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा? हम आपकी ना वेबसाइट है, ना कोई प्रूफ है, ना कुछ है। आप कल को हमको कोई गलत ट्रेड कराओगे, दो दिन हम अच्छा खेलेंगे, उसके बाद फिर आप हमें लॉस कराओगे, उसकी कौन गारंटी लेगा? मोबाइल नंबर तो 500 फेक होते हैं। नहीं सर, अपना ऐसा नहीं होता। नहीं आपके बोलने से नहीं होता ना, ना आपकी वेबसाइट खुल रही है, ना आपके पास सेवी रजिस्ट्रेशन है, बस आप कॉल दे दोगे और कोई ट्रेड कर लेगा। ऐसे लोगों को गुमराह मत करो, ठीक है? नहीं सर, देखो मैंने आप लोग की फिलॉसफी और स्ट्रेटजी, देखो भाई मेरी बात सुन लो, आप लोगों की फिलॉसफी और स्ट्रेटजी मुझे पता है। आप 100 क्लाइंट अगर एग्जांपल के लिए पकड़ोगे ना, तो 50 को दोगे भाई, 50 को दोगे सेल, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लाइंट का तो मुनाफा हो ही जाना है, उनसे आप लोगे पैसे और अगले को बोलोगे टाइड हो जाओ, तो कुछ इस टाइप की स्ट्रेटजी अपनाते हो आप लोग, ठीक है? तो ऐसा मत करो आप, ठीक है? आप ये क्राइम कर रहे हो एक तरह से आप, क्योंकि आप सेवी रजिस्टर्ड नहीं हो, आपको ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है ये सब चीजें करने के लिए, ठीक है? हेलो, कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ नहीं, मैं इसकी कंप्लेन भी करूंगा, चिंता मत करो। तो देखा दोस्तों, कुछ इस तरह के कॉल प्रोवाइडर आपको फोन पे कॉल करेंगे, और आपको जो है ये नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, हो सकता हो आपको ना दिखाओ ठीक से, तो मैं आपको दिखा दूंगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस टाइप की किसी भी कॉल से आपको ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड लेना है बहुत ही अपना रिसर्च, खुद का रिसर्च करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को समझना है, उसके बाद आपने ट्रेड लेना है। आपका पैसा है, आपको अपनी समझदारी लगानी है। इस टाइप के जो फेक कॉल हैं, देखा आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी मैंने कर दिया है, माफ कीजिएगा मैं अपने टैब से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए वीडियो इतनी क्लियर नहीं हो पाई है। सडनली कॉल आया मेरे पास, तो मैं सोचा आपके साथ मैं शेयर करता हूं। ये भाई साहब मुझे कॉल देना चाहते थे और बोलते थे कि प्रॉफिट होगा तो 35% वो उनको देना पड़ेगा। आपको लगता है क्या ऐसा कुछ होने वाला है? मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या होता है। इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा ये लोग लॉजिक लगाते हैं। 100 अगर एक क्लाइंट पकड़ते हैं तो 100 में से क्या करेंगे, 50 को ये देंगे बाई, 50 को देंगे सेल, एक रेंज बाउंड टारगेट दे देंगे, उसमें से आपको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, अगले को कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, और फिर आपको ये फोन करके बोलेंगे देखा हमारा टारगेट हिट हो गया, आपका कॉन्फिडेंट लेवल ये थोड़ा सा बढ़ा देंगे, उसके बाद आपको कहीं ऐसा फंसाएंगे कि आप जो है कहीं की नहीं रहोगे, आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और इस नंबर पर फोन करोगे, ऐसे पता नहीं कितने नंबर इनके पास होते हैं, चोरी के मोबाइल जो होते हैं, जो सिम कार्ड लोग बंद नहीं कराते हैं, कई लोग होते हैं मेरा स्मार्टफोन गिर गया चलो दूसरी सिम निकलवा लेते हैं, कई लोग अपना नंबर बंद नहीं कराते, तो ऐसे ऐसे सिम कार्ड लोग रखते हैं, इनका कुछ कर भी नहीं सकते। तो देखा आपने ना, इनके पास सेवी रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी नहीं है इनके पास में, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, खुल के बोल रहे कॉल देंगे, प्रॉफिट कराएंगे और कमीशन आपसे लेंगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूं, मैं किसी को इसीलिए कॉल वॉल भी नहीं देता हूं, क्योंकि कॉल देना काफी रिस्की काम है, इंट्राडे के अंदर कॉल देकर के पैसे बनवाना बहुत ही रिस्की काम है। हाँ अपनी ओपिनियन, अपनी एडवाइस आपसे जरूर शेयर करता हूं। तो इस तरह की कमाल की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं पोल खोल वाली वीडियो भी लेकर आता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।
वंदे मातरम।